मॉर्निंग दोस्तों, आज हम सेल के ही एक नए पॉइंट सेल का आंतरिक प्रतिरोध इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेसन में आपने जो सेल था, सेल की पूरी डिटेल जिसमें आपको प्रैक्टिकली रूप में भी सेल को दर्शाया गया था और डिटेल पढ़ी थी आपने सेल का विद्युत वाहक बल और सेल की टर्मिनल वोल्ट। तो एक बार थोड़ा वही डायग्राम वापस लेते हैं। ये सेल के प्रतीक चिन्ह और सेल के द्वारा आप किसी भी टॉर्च का बल्ब जलाते हो तो ये उसका बाह्य प्रतिरोध। कल आपने ये पढ़ा था कि भी जिस तरीके से चालक तार धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से सेल का घोल भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। तो इस आंतरिक प्रतिरोध को आप इस सेल के साथ ही प्रतिरोध के रूप में यहां दर्शा सकते हैं कि यह सेल की वोल्टता E और यह आ जाएगा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R। इस सेल से निकलने वाली जो धारा है वो पूरे परिपथ में प्रवाहित होती हुई वापस धन टर्मिनल से निकलकर वापस ऋण टर्मिनल पर पहुंच जाएगी। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की जो परिभाषा है वो आप इस प्रकार से लिखोगे कि जिस प्रकार चालक तार धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी प्रकार सेल का घोल भी, यानी जो विद्युत अपघट्य आपने भरा है, तो सेल का घोल भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। जिसे आप बोल रहे हो सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब अगर आप इसका कोई फॉर्मूला व्युत्पन्न करना चाहते हो तो एक सर्किट आपके सामने पड़ा हुआ है। इस सर्किट में अगर आप प्रवाहित धारा का मान निकालना चाहते हो तो ओम के नियमानुसार I बराबर V बटा R, तो V की जगह यहां आप सेल का विद्युत वाहक बल लिखोगे E, तो सूत्र आ जाएगा I बराबर E बटा R। अब R यहां पर आपको तुल्य देना है तो दोनों प्रतिरोध कैपिटल R और स्मॉल R यहां पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहां आप तुल्य मान निकालोगे। तो दो श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े भी होते हैं तो उनका जो तुल्य मान है वो दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, आई बराबर ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब जैसे ही आप इस वैल्यू को आई के पास लेके जाओगे तो ये दोनों मान अलग अलग आई से गुणा होंगे, तो आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर इक्वल। कल जब मैंने आपको विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के बारे में बताया था, अगर वो रिलेशन आप यहाँ देखना चाहते हो तो यहाँ आप एक फॉर्मूला, ओम के नियमानुसार V बराबर होता है आई आर, तो इस आई आर की जगह आप लिखोगे V प्लस आई आर इक्वल E। तो यहाँ V तो है अब टर्मिनल वोल्टता और E है यहाँ विद्युत वाहक बल। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना चाहते हो तो यहाँ V बराबर E माइनस आई आर, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ देखो, अगर E की वैल्यू आप 10 वोल्ट मानते हो और आई आर की वैल्यू अगर कम से कम 2 वोल्ट भी मानते हो तो यहाँ V का मान आपको प्राप्त होगा 8 वोल्ट। तो विद्युत वाहक बल का मान है 10 और टर्मिनल वोल्टता का मान है 8 वोल्ट। तो ये पॉइंट यहाँ क्लियर होता है कि जब भी आप किसी सेल से धारा लेते हो तो टर्मिनल वोल्टता हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होती है। तो एक पॉइंट ये भी आ जाएगा, तो भी तो यहाँ आ गया टर्मिनल वोल्टता और
ई यहाँ पर है विद्युत वाहक बल। इनकी थोड़ी सी डिटेल प्रैक्टिकली पिछले एक वीडियो में दर्शाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे अच्छी तरह देखो आप, उसमें विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता आपको दोनों की डिटेल मिलेगी। यहाँ से एक पॉइंट आप और बना सकते हो कि मान लो कि आप सेल से धारा लेने की बजाय सेल को वापस चार्ज कर रहे हो, ऐसी स्थिति भी है, तो इसका एक पॉइंट कि यदि सेल को चार्ज किया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी V बराबर E प्लस IR। केवल उस स्थिति में टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाएगा। तो ये यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल के बीच में रिलेशन भी बन गया। अब जो मान हम निकालना चाह रहे थे तो इसी इक्वेशन को अगर वापस आके काम में ले या कन्वर्ट करके ये जो बनी हुई इसको काम में ले, तो इस बार आप V को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाओ, तो ये प्लस की जो वैल्यू है वो लिखोगे आप माइनस में, और स्मॉल r का मान अगर आपको निकालना है तो मान आएगा E माइनस V बटा I। तो यदि आपको सेल का विद्युत वाहक बल, सेल की टर्मिनल वोल्टता और धारा का मान दे दिया जाए तो भी आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ज्ञात कर सकते हो। दूसरा, अगर फिर से आप यहाँ ओम का नियम लगाते हो तो स्मॉल r बराबर E माइनस V बटा V, और इसके बटा में जो r की वैल्यू है वो आ जाएगा ऊपर। तो ये एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला, जो आगे जब अपन विभव मापी का प्रैक्टिकल समझेंगे तो उसमें इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज में लेंगे। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो चालक तार की तरह है, सेल का घोल भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे आप बोलते हो सेल का आंतरिक प्रतिरोध। या आपने एक सेल दर्शाया है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, और इस सेल के द्वारा जिस बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही है उसे आपने दर्शाया कैपिटल R। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन, आप इसे व्यवस्थित लिख लो तब देखो। एक पॉइंट में और, अब आप ये देखना चाहो कि भी इस सेल का जो ये आंतरिक प्रतिरोध है वो कौन से मान पर निर्भर करता है, तो कल प्रैक्टिकली रूप में आपको सेल दिखाया गया था, ठीक है, आज मैं आपको फिर से एक बार सेल दिखा देता हूँ। ये यहाँ एक प्राथमिक सेल, नेकलांसी सेल के रूप में, तो यहाँ ये जो टर्मिनल है ये तो है कैथोड, जो जस्ते की छड़ है, ये कार्बन की छड़ है एनोड, धन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध का जो मान है वो सबसे पहले तो निर्भर करता है इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। दूरी ज्यादा होगी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, दूरी कम होगी आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। दूसरा निर्भर करता है आपको जो ये घोल भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसे हम विद्युत अपघट्य बोलते हैं, इसकी सांद्रता पर। अगर सांद्रता बढ़ेगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी, तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। एक पॉइंट और दिया हुआ है और जनरली आपने प्रतिरोध में पढ़ा भी है, अगर ताप का मान बढ़ाया जाए तो भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। जैसे चालक तार में आपने देखा है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। एक चौथा पॉइंट और है कि अगर इन इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल का मान बढ़ा दिया जाए, जो भाग इस घोल में डूबा हुआ है अगर उसका क्षेत्रफल बड़ा होता जाएगा तो यहाँ पर वापस आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ने की बजाय घटेगा। तो ये एक अलग से वैल्यू है। दूसरा, जो प्राथमिक सेल होते हैं, ऐसे सेल जिनको आप दोबारा आवेशित नहीं कर सकते, ये एग्जांपल के रूप में आपके सामने प्राथमिक सेल है। और द्वितीयक सेल, जैसे अपने सीसा संचायक सेल है, इसे आप दोबारा डिस्चार्ज होने के बाद में चार्ज भी कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों की तुलना करो
तो प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है वो द्वितीयक सेल की तुलना में अधिक होता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध द्वितीयक सेलों की तुलना में अधिक है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध का एक पॉइंट, आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखो, जो भी चैनल है चैनल का नाम हमारे नीचे वीडियो के साथ चल रहे, आप इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और जो भी स्टूडेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं आप इस वीडियो को शेयर भी करो, वो भी इन वीडियो का लाभ उठा सके।